बदल रहा है।
जी। एक बार मैया पार्वती तपस्या कर रही हैं और फिर एक आपका गीत है, गीत आपने गाया था जवाबी कीर्तन में आपने बहुत नालवाद देखे हैं, हमारे राजपुर भैया हैं, दीपक भैया हैं, पूरब में बहुत अच्छा लोग बजाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे साथ मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है, ये तीसरी पीढ़ी दादा हरिकृष्ण जी के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो ऋषि रंगीला फिरोजाबाद से है, बचपन से वो बच्चा मेरे साथ रहा। आज वो दाऊदयाल महिला महाविद्यालय फिरोजाबाद में संगीत टीचर है। उसके बाद क्रांति माला जी से कार्यक्रम हुआ तो उनके शिष्य संजय यादव फिरोजाबाद से, उन्होंने संगत की। आज उनका कार्यक्रम श्रीमद भागवत का चित्तौड़गढ़ में है। और उनकी तीसरी पीढ़ी उनका शिष्य मेरा बेटा रोहित और मैं, ये माँ का दरबार है। दीपक भैया पहली बार ये बच्चा जवाबी में बजा रहा है, पहली बार जवाबी में बजा रहा है ये बच्चा। क्लासिकल तैयारी है, देवी जागरण, शास्त्रीय संगीत और किस्सा सारा कुछ बजाया, लेकिन जवाबी में राजवीर भैया पहली बार बजा रहा है। अरे अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, अरे सावन जैसा भी हो उनका साजन कैसा, सावन कैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, सावन कैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। ये राजवीर भैया की ओर से 51 रुपए, जो बहुत अच्छे सक्षम कलाकार हैं, बहुत बहुत नालवादक उनके साथ रहे हैं। ये 51 रुपए रोहित जो नाल पर संतक कर रहे हैं बेटा, उनके लिए और 51 हमारे लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है सरस्वती भैया आपको अग्रसर करती रहे, निरंतर धर्म के प्रचार प्रसार में आपको लगाती रहे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये 21 रुपए भाई दीपक नादान जी जो हरदोई से हैं पूर्वांचल में, इनके गीत, इनकी आवाज और इनके गीतों का सार जो है वो चारों तरफ प्रशंसा पा रहा है। उनकी ओर से ये ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी को निभाते निभाते मेरी तरह से प्रभु चर्चा के लिए समय निकालते रहें, ऐसी प्रभु से कामना है। आपने बहुत सारे प्रसंग माता रानी के गाए हैं, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। खिलाने वाली स्तन पान कराए, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। सुनेगा हरे अनंत हरि कथा है अनंता, हे
हमारे गादा बेटा चंद्रवान भैया मिलेंगे, देख देख के सीख के बजाते रहेंगे। ये बच्चों में हुनर होता है। हरे अनंत हरी कथा है अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। दो शक्तियां हैं जो इस सृष्टि को चला रही हैं। कि सब सृष्टि के भार को झेलने वाला कैसा होगा, इस सृष्टि को जो सबको समझते हैं और इस सारी संसार को, इस सृष्टि को जो खिला रही है, चाहे वो माँ अन्नपूर्णा हो पेट भर के खिलाए और चाहे वो माँ जो गोद में खिलाए। दीपक भैया कि सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग के बोझ को झेलने, कि सारे जग के बोझ को झेलने वाला पैसा हो। और जब खिलाने वाली ऐसी, आपने कहा दूध पिलाने, स्तनपान करना, इतना ही नहीं ये सृष्टि सबको गोद खिला रही है। अरे खिलाने वाली ऐसी, तो खेलने वाला कैसा, खिलाने वाली ऐसी खेलने वाला कैसा हो, खिलाने वाली ऐसी खेलने वाला कैसा हो। अब आइए खेल में, खिलाने वाली ऐसी तो खेलने वाला कैसा होगा। एक बार देखो अब ढर दादी, पास गए हैं पास में देखे, पास गोद में है देखो शिवानी। अरे अटकी गाड़ी गाड़ी अटकी, उसको पेलने वाला कैसा होगा। और जब खिलाने वाली ऐसी, मुगल वाली है, अरे खिलाने वाली ऐसी तो खेलने वाला कैसा होगा, घरवाली ऐसी है तो घरवाला कैसा होगा। लेकिन सुनिए पति पत्नी का ही संबंध है, गोद में खिलाने और खिलाने की बात है, दोनों लगी है। आइए कैसी देखो ये घटना है न्यारी, कैसी देखो घटना न्यारी, राधा की गोद में कृष्ण मुरारी। भांडीर वन में भया आई में एकदम से गलत सगदा का लेके दादा। जैसे ही आदि तूफान आया, राधा जी ने भगवान कन्हैया को गोद में उठा लिया, क्योंकि कन्हैया छोटे हैं और राधा बड़ी हैं। हंसकर दुख को सदा झेलने वाला कैसा होगा। अब राधा जहां ब्रह्मा जी ने उनका विवाह रचाया वो घरवाली है, अरे खिलाने वाली ऐसी गोद में, अरे खिलाने वाली ऐसी तो खेलने वाला कैसा, खिलाने वाली खेलने वाला भाई। एक प्रसंग और मिला, वहीं से मिला, एक पीढ़ी बदली है दीपक भैया, दीपाराजी एक पीढ़ी केवल एक सीढ़ी बदली है। जानते हैं सब मायापति की, हाँ।
चर्चा होती है मायावती की, प्रद्युम्न देखो गोद के सती की। क्या भी पति पत्नी है और खेलने और खिलाने की बात है। युग युग से इच्छा तो सुमेलने वाला पैसा होगा, और गोद में अरे खिलाने वाली मायावती, और ये लती और कांधे में पूर लगन के, अरे खिलाने वाली ऐसी तो खेलने वाला पैसा होगा, खिलाने वाली ऐसी तो खेलने वाला पैसा होगा, खिलाने वाली खेलने वाला पैसा होगा, खेलने अरे खिलाने वाली ऐसी तो खेलने वाला पैसा होगा, खिलाने वाली ऐसी तो खेलने वाला कैसा हो। ये आला उदल की बहुत ही सुंदर जोड़ी हमारे बीच में है, ठाकुर मिसल पाल सिंह अध्यक्ष जी, जयपाल सिंह जी पटेल महामंत्री नगर निगम बरेली, ये आला उदल की जोड़ी है और ईश्वर करे ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रभु से कामना है। आइए गीत आपको सुनाते हैं।